Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरे साथ हैं सूर्य प्रताप शाही जी, पत्थरदेवा सीट से भारी मतों से जीते हैं। पत्थरदेवा सीट हॉट सीट था और यहां से दिग्गज लड़ रहे थे और इनके सामने थे ब्रह्मशंकर त्रिपाठी। इनसे बात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको जीत की बधाई शाही जी, और सबसे और आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था ये चुनाव आपके लिए। जी बहुत धन्यवाद। हर संघर्ष जो है चुनौती होती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के, जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन सब के सहयोग और परिश्रम से इस चुनौती को हम सब लोगों ने स्वीकार किया। मैं पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। और ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सीटों को जीत करके एक नया रिकॉर्ड बना रही है। देवरिया की महान जनता ने देवरिया की सातों विधानसभा भारत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। इसके लिए देवरिया वासियों को, समस्त जनपद आपका आपका ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से 7 बार सामना पहले हो चुका, जो 8वीं बार था। 4 बार वो जीते थे, 3 बार आप जीते थे। आज आपने जीत कर क्या हिसाब किताब बराबर कर लिया, क्या कहना आपके लिए? मैंने पहले भी कहा था कि अब की बार के चुनाव में वो पराजित होंगे। वो एक तरीके से जो है अधर्म पक्ष की ओर थे, जो लोग न तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न कानून व्यवस्था के विश्वास करते हैं। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को जिन्होंने, और भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को जो प्रदेश के भीतर उन्होंने उन लोगों ने पोषण किया समाजवादी पार्टी ने, आज उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बताइए कि इस बार जो है मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी, ये समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, कितना मुद्दा ये रहा है इस चुनाव में, और किस मुद्दों पे चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 सालों के भीतर गाँव की आम जनता तक उसे पहुँचाने का काम किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का जो विचारधारा थी कि समाज के सबसे अंतिम तबके तक विकास की किरण को पहुंचाई जाए, उस काम को करने में मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार सफल रही है। प्रदेश की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इसलिए उन्होंने कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को ये महान जनादेश दिया है। और साथ साथ में जो है वो गुंडागर्दी और माफियाओं के चंगुल से उत्तर प्रदेश को मुक्त करना चाहती थी, उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी जी की बुलडोजर, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। योगी जी की बुलडोजर चलेगा फिर दोबारा? निश्चित रूप से जो लोग नाजायज कमाई करेंगे या नाजायज तरीके से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करेंगे या कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करेंगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार, योगी जी ने इस बात को कहा है। विधानसभा में क्या प्रमुखताएं रहेंगी? बस देखिए, विधानसभा के भीतर अब आगे के जितने भी काम हैं उनको आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से हम लोग प्रयास करेंगे और आगे बैठ करके विचार करेंगे कि क्षेत्र के विकास की दृष्टि से जो कारगर हो सकता है उनको हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी। ये थे हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही, जो कृषि मंत्री थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनकी जीत जो हुई है वो योगी और मोदी जी के जो कार्य हैं, जो विकास काम किए हैं, उन पर जीत हुई है। राम प्रताप सिंह, देवरिया यूपी तक।